उज्जैन जिले के तराना पुलिस के नवागत पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ला द्वारा अवैध सट्टा जुआ के खिलाफ मुहिम चलाने के निर्देश दिए गए थे, जिस पर तराना पुलिस द्वारा मुखबिर से सूचना पर फारूक खान निवासी पला मोहल्ला तराना सट्टा लगाकर लोगों से अपने घर के पीछे वाले कमरे में पैसे ले रहा था। वहीं उक्त सूचना तस्दीक हेतु तत्काल टीम बनाकर उक्त मकान पर दबिश दी गई। उक्त मकान में दो व्यक्ति फारूक खान को पकड़ा गया, जिसके पास से एक रजिस्टर जिसमें सट्टा के अंक मिले तथा लीड पेन, कैलकुलेटर, दो मोबाइल लावा कंपनी के तथा सट्टा रकम 20,050 रुपए मिले तथा दूसरे का नाम कन्हैया लाल पिता गंगाराम निवासी तोबड़ी खेड़ा बताया। उसके पास से सट्टा पर्ची एवं अंक लिखी सट्टा रकम 2800 रुपए मिले, जो कि जब्त कर पंचनामा जब्ती बनाया गया तथा आरोपियों को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। वहीं फारूक खान से पूछताछ करने पर फारूक खान ने बताया कि सद्दाम पिता पप्पू निवासी कीला कॉलोनी तराना को कमीशन पर सट्टा लिख कर देता हूँ, सद्दाम मुझे कमीशन देता है। वही थाना प्रभारी द्वारा तीनों आरोपियों के खिलाफ सट्टा एक्ट में अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय के साथ निर्देश जी, सामाजिक जो बुराई है उनको खत्म किया जाए जी, और उसी तारतम्य में सट्टा अभियान के खिलाफ सट्टा के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। उसमें आज मेरे स्टाफ ने उप निरीक्षक चौधरी जी, बाबूलाल चौधरी, आरक्षक मांगीलाल, रामेश्वर, आदिराम, सुनील, दीपक, इन सब ने मिल के एक फारूक नाम के लड़कों को सट्टा लगाते उसके घर से पकड़ा है। 20,000 रुपये में मिले हैं और सट्टे के कर्ज मिले हैं। एक का सट्टा लगाते हुए पकड़ा है, एक को लगाते हुए पकड़ा है। फारूक सट्टा नहीं कराना, ये जिसको देता था सद्दाम को वो भी फरार है, उसकी गिरफ्तारी बाद में। ये लगातार चलती रही, सामाजिक बुराई को खत्म करना ही है, इस उद्देश्य से कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन जिले के तराना से अर्पित बोराना की रिपोर्ट।